हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज हम तैयार होकर के जा रहे हैं मेरे मायके। एक्चुअली रोड उनके घर तक अब एक्टिव हो गया है, मतलब गाड़ियाँ जा सकती हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना मायके के हालचाल भी देख के आते हैं। वहाँ पर भी बहुत बुरे हालात हैं और उनके घर के बैक साइड से भी लैंडस्लाइड हुआ हुआ है। तो फिर होता है ना, मतलब लड़कियों को तो अपने मायके की भी लगती है और बाकी ससुराल तो चलो घर होता ही है, वहाँ की फ़िक्र तो सबसे पहले ही होती है, लेकिन उतनी ही फ़िक्र मायके की भी होती है। तो फिर सोच रही थी मैं कई दिनों से कि भाई जाएंगे जाएंगे, बट कैसे जाएंगे। पहले मैं बाइक पे सोच रही थी कि इनको बोल रही थी, फिर बच्चों को छोड़ने की दिक्कत आ जाती है। लेकिन जैसे ही फिर रोड ठीक हुआ तो मैं क्या, चलो आज जाके आते हैं। तो यहाँ पर जी शानू मिठू ब्लॉगिंग कर रहे थे। एक्चुअली ये आपको दिखा रहे थे कि ये देखो जी शानू की मैंने क्या ड्रेस पहना है, मिठू मैंने क्या ड्रेस पहना है, तो वो सारी चीज़ें। और मैं यहाँ पे सारा घर एक बार चेक करके, मतलब लॉक वॉक करके, तो ये सारी चीज़ें चेक की एक बार। और इनके पापा पहले ही चले गए थे, उन्होंने गाड़ी निकालनी थी, फिर उसको थोड़ा धोना भी था। और क्योंकि इतने दिनों से हम भी कहीं नहीं गए हैं, गाड़ी कहीं पर भी नहीं, ऐसे बच्चों को स्कूल छोड़ देते हैं तो भी गाड़ी थोड़ा बहुत चला लेते हैं, और रखे रखे भी गाड़ियां भी जाम सी हो जाती हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं आगे आगे चल के देखता हूँ और उसको स्टार्ट भी करता हूँ, साथ में थोड़ा धो भी देता हूँ। बाकी यहाँ पर हमारे किराएदार भी हैं ऊपर वाली फ्लोरी में, तो उनके साथ एक बार फिर मैंने बातचीत की कि ऐसे हम आ जाएंगे, शाम को ही आ जाते हैं। वैसे तो हम लोग, बहुत रेयर होता है कि हम वहाँ पे रुकें, वो भी अगर मम्मी पापा अगर ऐसे हालात अच्छे ना हो तो। अदरवाइज़ हम लोग ऐसे जाते हैं और शाम को ही आ जाते हैं। खैर आपने तो ब्लॉग में देखा ही है, मैं क्यों बता रही हूँ, मतलब इसलिए बता रही हूँ जैसे यहाँ पर भी ना थोड़ा आपने देखा ही है कि घर के आगे की स्थिति क्या है, तो थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, इसलिए फिर ज़्यादा मतलब देखभाल करनी पड़ती है। और बाकी तो चलो सब ठीक है। तो यहाँ पे जी रोडों के हालचाल मैं आपको दिखाती चलती हूँ, और रोडों के हालचाल क्या ही दिखाने, देखो हर जगह ही इतने ज़्यादा पहाड़ के पहाड़ बैठ गए हैं। जैसे ये वाली पहाड़ी जो है ना पूरी की पूरी बैठ गई थी यहाँ पे। तो फिर ये सबसे पहले ये वाला पॉइंट शायद एक्टिव किया था यहाँ से, और ये निचली साइड से भी, क्योंकि खड्ड है नीचे को, तो इस वाली साइड से भी ये पूरा का पूरा रोड चला गया था और ऊपर से भी पूरा का पूरा पहाड़ आ गया था। तो फिर जैसे तैसे मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत निकाल करके ये यहीं से फिर कनेक्टिविटी हो पाती है, क्योंकि दूसरा वाला रोड तो फिर वो डबल लेन बन रहा है ना, तो उस वजह से उस साइड का एरिया तब जा कर के डेंजर जोन में है। तो वहाँ से तो खैर कई टाइम से गाड़ियाँ आती जाती नहीं हैं, और अभी तो वहाँ पे मतलब पता नहीं कितना टाइम लगेगा वो चीज़ ठीक होते होते। लेकिन फिर यहाँ से अभी हम देखो घर से थोड़ा ही आगे निकले हुए हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आसपास फिर देख रहे हैं हम लोगों की पूरा पूरा पहाड़ देखो ऊपर से आ गए हैं। विद जो ट्रीज़ है ना, तो आप बोलते हो कि घर के आसपास पेड़ लगाओ ट्रीज़ लगाओ, तो ज़्यादा नुकसान इनकी वजह से भी है, क्योंकि इन्होंने ना जैसे मिट्टी कच्ची हुई और पेड़ों की पकड़ होती है ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी पे, जितना बड़ा पेड़ होगा तो जैसे वो उखड़े ना तो वो अपने साथ फिर सारा कुछ, मतलब सारी जो मिट्टी थी वो सारी चीज़ लेकर के चले गए। तो फिर पापा ने बताया हमें परे कि वहाँ पे ना गांव के एरिया में सारे ये ऑर्डर दिया है। पहले तो होता था ना कि जंगलात वालों से पूछना पड़ता था कभी कहीं पर भी पेड़ काटना है तो, लेकिन अभी वहाँ पे ऑर्डर निकाले हुए हैं कि घर के आसपास के एरिया को खाली कर दीजिए, मतलब जैसे पेड़ वगैरह हैं तो किसी के भी हैं भी, आप अपने घरों को सिक्योर कीजिए, तो उसी हिसाब से काट सकते हैं मतलब वहाँ पे। हमारे तो यहाँ चलो रूल दूसरे हैं, क्योंकि ये कमेटी एरिया है तो उसी हिसाब से रूल अलग होते हैं। तो फिर ये देखिए, मतलब अभी अभी तो वही बता रही थी मैं कि बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, तो देखिए पूरे के पूरे पहाड़ नीचे को आ गए हैं, पूरे पेड़, मतलब देखिए ज़्यादा तो मतलब ये इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हुआ। बाकी खैर जो रोडों के लिए कटिंग हुई है पहाड़ों की, तो वो तो ये मैं चीज़ दिखा रही थी, ये वो है हमारे वाले पिलर, तो यहाँ पर भी ये पुल डल गया है ना, और साथ वाली जो ज़मीन थी हमारी तो वो सारा देखो पूरा बैठ गया है पहाड़। यहाँ पे डंगा हुआ करता था तो वो भी चला गया है, वो भी मतलब इधर मतलब ससुराल वाले साइड से ही मतलब दिया हुआ था तो वो भी चला गया है। इधर भी हमारी ज़मीन को नुकसान हुआ है, और बाकी गांव में जो थी वो वहाँ पे भी बादल फटा है, तो वो भी सारी ऐसी हो गई है पूरी, मतलब
डैमेज एक तरह से भी, खेत वेत अब कुछ नहीं रहे वहाँ पे, एकदम वो हो गया। तो ऐसा है। और बाकी फिर यहाँ पे भी देखिए एरिया, तो ये सारा पपलोक से आगे वाले वाला एरिया है, तो यहाँ पर भी देखिए पूरा रोडों पे गिरा हुआ है, मतलब हर जगह ही बहुत ही। ये तो ये बोलो कि 2-3 दिनों से धूप लगी हुई है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, तब मतलब लोग आ जा रहे हैं। अदरवाइज़ बारिश में तो ये चीज़ भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि ऊपर से फिर जो चीज़ बच गई है तो वो भी, और PWD वाले रेगुलर लगे ही हैं, हालांकि संडे को भी वो काम पे ही लगे हुए हैं। इस तरह से JCB मशीनें लगी हुई हैं, मतलब रोडों को जैसे तैसे जितना एक्टिव कर पा रहे हैं उतना, मतलब कनेक्ट कर पा रहे हैं उतना उनको, मतलब कनेक्ट किया जा रहा है। बाकी थोड़ी बहुत परेशानियां तो देखो मैनेज करनी पड़ती हैं, जैसे जाम लगता है, काफ़ी लंबा लंबा भी लग जाता है कई बारी। और बाकी ये देखो मतलब हर जगह ही, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह, हर जगह जहाँ पर भी देखो, मैं वीडियो क्लिप बना रही तो मैं देख रही मैं क्या कहाँ तक बनाना भाई, हर जगह ही मतलब यही तबाही तबाही दिख रही है। और बाकी ये रोपे वाला एरिया होता है, जैसे मेरी ननद का घर नहीं मैंने आपको दिखाया, तो वो भी एक रोपे वाला एरिया है, तो वहाँ पे मतलब प्लेन है, जैसे पंजाब साइड होती है ना बिल्कुल प्लेन एरिया, जैसे आपने देखा ना यहाँ पे बस धान के खेत थे, मक्की के खेत थे, और काफ़ी प्लेन है एरिया, मतलब पहाड़ नहीं है, तो उस वजह से इस तरह के एरिए काफ़ी सेफ़ हैं। बाकी जहाँ पे पहाड़ हैं तो वहाँ पे तो हर जगह ही इसी तरह से हुआ है। और ज़्यादा देखिए एक तो जो IPH डिपार्टमेंट है, तो IPH वालों ने भी बहुत मतलब, जैसे जहाँ पे कभी किसी ने सोचा नहीं था ना, वहाँ पे भी पानी के लिए पाइपें डल गई हैं। कुछ एक जगहों पे तो पानी भी आ चुका है, लेकिन कुछ एक जगहों पे काम वो वैसे ही है। और फिर जैसे मतलब नई सरकार आई और वो सारी चीज़ें, आपको तो पता है कि पिछली सरकार का फिर पिछली, अब नया होता है तो नए सिरे से चलती है चीज़ें। बाकी रोडों में तो डेवलपमेंट हो ही रही है, वो तो आपने देखा ही है। और ना सिर्फ इस बारिश में ही, इससे पहले भी जो ये डबल लेन का काम चला हुआ है ना, तो इसमें तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और पहले जो रोड था ना, इन्होंने क्या किया कि उस रोड को भी उखाड़ दिया, तो उस वजह से फिर थोड़ी भी बारिश होती थी तो यहाँ से आना जाना तो बिल्कुल मतलब बंद ही हो जाता था, और इतनी बुरी हालत होती थी रोडों की, तब भी मैक्सिमम यहाँ पे गाड़ियाँ फंसना, जाम लगना, ये सब चीज़ें होती थी। बाकी खैर बारिश के बाद तो फिर ज़्यादा ही हुई तबाही, क्योंकि सारे के सारे अब इस तरह से अगर डंगे दे दिए होते ना और उन रोडों को नहीं उखाड़ा होता पहले, मतलब थोड़ा मतलब जैसे कुछ एरिया को एक्टिव कर लिया फिर उसके बाद नेक्स्ट को छेड़ा, तो उस तरह से चले होते ना तो भी ज़्यादा, यहीं तक हुआ है ये, फिर आगे भी नहीं चला है। बाकी ये वाला एरिया तो, ये जो पारछू वाला एरिया है ना, तो ये तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। यहाँ पर भी पहले से जो रोड निकाले हुए हैं ना, तो वो भी देखो पहाड़ों को किस तरह से कटिंग की गई है। जैसे कुल्लू का आपने देखा होगा, बहुत पुराना जो रोड था, तो सेम उस तरह से ही। और यहाँ पर जब पहाड़ों को फिर से छेड़ेंगे ना, तो ये तो ऑलरेडी देखो किस तरह से कटिंग है, तो फिर और ज़्यादा मतलब आगे को नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखिए उनको जब पहाड़ों को इतनी JCB मशीन नहीं चलती हैं, हैवी हैवी, उससे भी ज़्यादा हैवी हैवी, क्योंकि पता नहीं क्या क्या विस्फोट करते हैं, तब जा करके कहीं पहाड़ जो है ना ब्रेक होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं रीज़न है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पहुंच गए जी, अभी मेरे मायके से थोड़ा सा पीछे थे, तो वाणी और वाणी का पापा स्कूटी पे हमें यहाँ पे मिल गए, तो वाणी आ गई बच्चों के साथ शानू मिट्टू को देखते ही, और ये लोग भी फिर लग गए जी उसके साथ खेलने। और बस ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे आगे को ये लोग आए होंगे कुछ लेने, इधर सामने पीछे मतलब शॉप्स भी हैं। तो फिर और ये लो जी फिर पहुंच गए मेरे मायके, और फिर दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या है हालात, किस तरह की सिचुएशंस हैं। केड़ा जी मैं टाइम पहुंच गए। हाँ पहुंच गए, चलो मैं फिर करूँगी आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, बाय, थैंक यू। आवाज लगा दे। वाणी तो हमारे साथ ही आई, मिठू तू सारा पीछे खाते प्लेन प्लेन है लाइक ना है ना, वो देख रहा हूँ देख रही हूँ, हट तू मिठू, लगा दी तूने प्लेन।
अच्छा ये सारा है कटीतरे है ना अच्छा वो बड़ा परे जो जो बड़ा मारे पर जातू नहीं है वो अब दे जो ये उखरा वो क्यों गिरा है डाल पाई के ना वो अच्छा ये बेंज बूंज भी है ना कट रहे हो क्या पूरी उखड़ी रहे उखड़े कहीं कुछ वो ये बारा देखो वो गया जो ये जब सबसे बड़ा डाल नहीं है बारा कुछा वो ये तुम नहीं रहा जो इत्था दे उखड़ रहा इत्था दे तो बोले हमने डाल 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 ता ये डाल भी तो खतरनाक है ना घर रहने दे ये तो सारी मिट्टी ले ही है ना पूरा जंगल के कवि गिरा बुझो है ना इटका हाँ भाई बड़ बड़ खतरे इस बारी बड़ी बारी बरखा हुई तंज दा दुंदिल आ से रोड ते आए ना तो ताई भी बड़ भारी ज्यादा मतलब नुकसान है नुकसान है सारे रोड वाली हालत खराब पूरे पहाड़ पहाड़ गई थी फिर आ गए हम लोग यहाँ नीचे देखने और देखना भी क्या ही डर ही लगता है मतलब जब हर जगह यही सब चीज़ें देखने को मिलती है ना तो मतलब दिल पे भी ना बहुत अजीब सा मतलब असर होता है और फिर यहाँ ये तो चलो शुक्र है भगवान का कि हम लोग सेफ हैं और जैसे न्यूज़ में देखते हैं वीडियोस जैसे देखते हैं तो उसमें तो ना मतलब लोगों का इतना नुकसान देख करके जिन लोगों ने अपनों को खो दिया जिन लोगों ने अपने घरों को खो दिया तो वो सारी चीज़ें देख के तो मतलब ना शुक्र है भगवान का कि हम लोग सेफ हैं अभी भी हम लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं फिर भी हम लोग सेफ हैं और भगवान ने कृपा की है आगे के लिए खैर मतलब और अच्छी तरह से घर को प्रोटेक्ट करने के लिए डंगे लगाने पड़ेंगे सेफ्टी वॉल्स को डंगे बोलते हैं हम लोग तो लोकल में तो वो चीज़ें मतलब सही तरह से लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आगे के लिए भी देखो अभी जब इतनी बारिश हो सकती है ना तो आगे के लिए क्या होगा किसको क्या पता है कुछ पता नहीं है क्योंकि एनवायरनमेंट इस तरह से चेंज हो गया है ना कि अब मतलब किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं रह गया है और सच में इस बारिश के बाद तो मुझे तो रत्ती भर भी भरोसा नहीं रह गया है कि आने वाले टाइम में क्या होगा इनका तो फिर भी चलो मतलब दूसरा भी ठिकाना है कि अगर यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे हैं तो नीचे गांव में भी घर है जो दिखाया है आपको तो ये लोग ऐसे ही करते थे जब बारिश लगती थी और नींद नहीं आती थी उस टाइम पे जब बारिश लगती थी ना तो मतलब देखिए ये सिचुएशन तो भगवान किसी को ना दिखाए बहुत बुरे हालातों से इस बार हम हिमाचल के लोग गुजरे हैं जो जिनके साथ बहुत ही नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ लेकिन जो लोग मतलब जिनके घरों के आगे से ज़मीनें चली गई और ऐसा नहीं है कि जिनके घरों के आगे से ज़मीनें गई या कहीं पर भी ये देखिए इस तरह से ज़मीनें फट जाती हैं और ज़मीन नीचे को धस रही है यार मतलब पानी इतना रस गया है ना कि कहीं पर भी सेफ नहीं है कहीं पर भी जो लोग सोच रहे हैं कि भाई नहीं भी हाँ भी यहाँ से वहाँ मूव हो जाएंगे या अपने किसी उस रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे तो सेफ तो खैर कहीं भी नहीं है कहाँ पे क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है जिस हिसाब से अब पानी रिस चुका है ज़मीनों में तो ऐसा ऐसा है और सच में ही दिल घबरा जाता है मतलब ये सब चीज़ें देख करके और जिनके साथ देखो बीत रही है ना तो वो उन्हीं का दिल जानता होगा कि कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं कैसे वो चीज़ें फेस करते हैं जब रात रात भर नींद नहीं आती ना जैसे बारिश होती है ना एक बादल गरजा नहीं कि कलेजा जैसे हाथ में आ जाता है तो ये सिचुएशन भगवान किसी को ना दे और बस अब आगे को किसी के साथ कुछ ना हो बस इतनी सी ही दुआ है मेरी क्योंकि घर के ऊपर ना हमारी ज़िंदगी भर की कमाई लग जाती है।